हे गाइस, वेलकम टू ऑलराउंड लर्निंग। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऑयल कंजर्वेशन वीक कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 से 8 जनवरी, 3 से 9 जनवरी, 4 से 10 जनवरी या फिर 1 से 7 जनवरी। तो इसका आंसर है 4 से 10 जनवरी। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों में पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना है। पेट्रोलियम उत्पादों में तेल के अलावा गैस भी आती है, इसलिए इसे 2004 के बाद से ही ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फॉरनाइट नाम से जाना जाता है। ऑयल कंजर्वेशन वीक की बात करें तो इसको 1991 से स्टार्ट करा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। तो इसका आंसर है 4 जनवरी। इसे 4 जनवरी को महान वैज्ञानिक लुईस ब्रेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने लुईस ब्रेल लिपि की खोज करी थी। 2018 में यूएन ने 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाने का निर्णय किया और 2019 में यह पहली बार मनाया गया। अब यूनाइटेड नेशंस ने ये शुरू करा है तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसको एस्टेब्लिश करा गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और मेंबरशिप की बात करें तो 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं और मेंबर स्टेट 193। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस। इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, वो है यूनाइटेड नेशन डे, तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत में दूसरी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं फाइजर, कोविशील्ड, मॉडर्ना या फिर कोवैक्सीन। तो पिछली ही वीडियो में हमने जाना था कि पहली कोरोना वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत की अपनी स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है उसको भी अब जल्दी मंजूरी मिलने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोवैक्सीन की, तो इसको भी अब आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। तो हमारा आंसर है कोवैक्सीन। पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली थी और अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी DCGI ने मंजूरी दे दी है। अब DCGI की बात हो रही है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। और गवर्नमेंट ने 14 अगस्त 2019 को VG सोमानी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करा था। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में जान लें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो रेजिना हिल न्यू दिल्ली। हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो हर्षवर्धन और सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण। क्वेश्चन नंबर 4, वन नेशन वन गैस ग्रिड पर आधारित कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देश को मोदी जी कब समर्पित करेंगे? ऑप्शंस हैं 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो इसका आंसर है 5 जनवरी। प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्य को करने वाले हैं। सो वन नेशन वन ग्रिड का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कुकिंग गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसको 2022 में जो इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले जो प्रोवाइड करने का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है। 2019 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन ग्रिड प्लान का ऐलान किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक आरुषि निशंक को अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना गया है, वे किस देश से हैं? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, इटली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भारत।
ये भारत की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना और स्पर्श गंगा अभियान की संयोजक है। इन्हें ये पुरस्कार पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने 2020 के लिए दिया। आरुषि को अब तक देश व विदेश में अनेकों सम्मान मिल चुके हैं, जैसे यूथ आइकॉन अवार्ड, उत्तराखंड गौरव सम्मान, आधी आबादी अचीवमेंट अवार्ड, टॉप 20 ग्लोबल वुमेन अवार्ड और अटल महर्षि शिखर सम्मान। अर्थ डे नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह संस्था वर्ष 1970 से विश्व भर में अर्थ डे का आयोजन कर रही है और विश्व के 190 से अधिक देशों के 70,000 से अधिक कार्यकर्ता पर्यावरण चेतना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है? ऑप्शंस हैं अलीराजपुर, धार, खंडवा या फिर इंदौर। तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर में कुछ मरे हुए कौ में यह फ्लू पाया गया है। इससे पहले की बात करें तो राजस्थान में यह फ्लू पहले ही दस्तक दे चुका है। वहां कुल 400 से ज्यादा कौओं में यह फ्लू पाया गया था। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल है भोपाल और लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। और इंदौर सबसे साफ शहरों की सूची में नंबर 1 पर आता है, जिसकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक है। सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। इन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, ये यूपी की गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स की बात करें तो आपको 29 याद रखना है और राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 11 आपको याद रखना है। टोटल एरिया की बात करें तो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज इसका रैंक सेकंड आता है, वहीं पॉपुलेशन में ये पांचवें रैंक पर है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 70.6% और सेक्स रेशियो की बात करें तो 931। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कोरोना की नई स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चाइना, रूस या फिर भारत। तो इसका आंसर है भारत। भारत पहला देश बन गया है जिसने इस स्ट्रेन को प्रयोगशाला में अलग यानी आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस कार्य में कामयाबी हासिल की। वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रेन को कल्चर करने में कामयाबी हासिल की है। अब इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और ये 1931 में कैपिटल बनी है। 1911 से 1931 तक दिल्ली भारत की राजधानी थी। और पुरानी कैपिटल की बात करें तो कोलकाता आपको याद रखना है, ये 1911 के पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो योजना बनी या निर्णय लिया गया वो दिल्ली दरबार में लिया गया था। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट सिटी मुंबई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 28 और 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 28 और 8। भारत ने किस किस चीज में मेंबरशिप ले रखी है? तो यूएन, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, सार्क, एससीओ, G4 नेशंस, G20 नेशंस, G8+5 और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। एरिया की बात करें तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और एरिया वाइज रैंक भारत का 7वां आता है पूरे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8, चेक से धोखाधड़ी रोकने के लिए किस बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया? ऑप्शंस हैं सीबीआई, आरबीआई, एसबीआई या फिर पीएनबी। तो इसका आंसर है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल नया सिस्टम सितंबर में जारी किया था और अब 1 जनवरी 2021 से ये लागू हो गया है। इस सिस्टम को लागू करने का मकसद चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। नई व्यवस्था सभी बैंक खातों से जारी होने वाले चेक पर लागू होगी। अब आरबीआई ने कार्य करा है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1 अप्रैल 1935 में इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सांप जैसे सिर वाली मछली की नई प्रजाति मिली है? ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो इसका आंसर है मेघालय।
इस मछली का नाम है चन्ना स्नेक हेड। यह प्रजाति अब तक मिली दूसरी स्नेक हेड मछलियों से अलग है। इसका रंग, दांत का पैटर्न और डीएनए सीक्वेंस इसे अलग बनाता है। स्नेक हेड मछलियां एशिया में पाई जाती हैं और ये साफ पानी में ही मिलती हैं। अब चन्ना स्नेक हेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चन्ना स्नेक हेड एक रंग बिरंगी मछली है। यह मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के पुरियांग में एक छोटी पहाड़ी नदी में मिली है। अब मेघालय में ये मछली मिली है तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 21 जनवरी 1972। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है शिलोंग और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 11। गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक और सीएम की बात करें तो कॉनरेड संगमा। लोकसभा सीट्स की बात करें तो 2 और राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 1। इसका एरिया है 22,429 वर्ग किलोमीटर और ये इसका जो रैंक है वो है 22। पॉपुलेशन वाइज इसका रैंक भी है 22 और लिटरेसी रेट की बात करें तो 75.84%। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश आपको याद रखना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।